फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र मोहल्ला पीपल नगर में घर में मोमबत्ती से आग लगने से 3 मासूम बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिनके नाम यश, विकास और भावना बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि संजू राठौर और उनकी पत्नी चूड़ी की झलाई कर रहे थे, वहीं छोटे छोटे बच्चों ने घर में मोमबत्ती लगा ली थी। जली मोमबत्ती कपड़ों पर गिर गई और कपड़ों में आग लग गई, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। किसी तरह मोहल्ले वासियों ने पानी से आग पर काबू पाया। तब तक कमरे में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं घर में मौजूद तीनों बच्चे बुरी तरह से झुलस गए, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद घटना स्थल पर एसपी सिटी मुकेश चंद्र और सीओ सिटी हरमोहन सिंह पुलिस बल के साथ पहुंच गए। फिलहाल बच्चों को आनन फानन में जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नगर विधायक मनीष सजीजा ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और इस संदर्भ में जानकारी ली और बेहतर इलाज करने के लिए डॉक्टरों से बातचीत की। किस तरह का हुआ? देखिए, अभी मुझे जानकारी मिली है कि थाना उत्तर के अंतर्गत जो है पीपल नगर मोहल्ले में संजू एक नाम से एक श्रमिक है जो किराए पे रहते थे और उनकी पत्नी का नाम कमलेश है, वो बगल के पड़ोस के घर में जुड़ाई करने गई थी। तो ये तीन उनके छोटे छोटे बच्चे, एक 3 साल का है, एक 4-5 साल का है, एक बच्ची है, यश नाम है एक बच्चे का, विकास नाम है और एक भावना बिटिया का नाम है। तो ये वहाँ पर सो रहे थे तो कोई किस तरह से आग लगी है, बच्चे काफ़ी आपने देखा जल गए हैं। हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय की भी सूचना में डाल दिया है, घर में मैं होकर आ रहा हूँ, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और यहाँ सीएमएस साहब से मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन बच्चों को आगरा ना भेजा जाए, क्योंकि ये बच्चे इस कंडीशन में हैं कि यहाँ भी इनके साथ अगर अच्छे से मेडिकल केयर करी जाएगी तो बच्चों का निश्चित रूप से उपचार ठीक से हो सकेगा। वरना सर्दियों की रात है, अभी रात के 10-10:15 बज रहे हैं, यहाँ से आगरा 12 बजेंगे वहाँ कोई मिलने वाला है, और कोई समझदारी की बात ही नहीं है ये 1% भी। ये मेरा जी इस तरह की आप मौके पर बताया है कि एक आसपास बरने, बाकी 2 बच्चे तो थोड़े कम है, बता रहे हैं डॉक्टर साहब भी अपना काम कर रहे हैं। हमारा तो बस उनसे यही अनुरोध है कि ऐसे समय में गरीब बच्चे हैं का बस कैसे भी इनका इलाज हो के ये ठीक हो जाए, यही हम लोगों की इनसे निवेदन है, अपेक्षा है। थाना उत्तर क्षेत्र में पीपल नगर मोहल्ला है, इसमें एक माँ अपने किराए के मकान में कमरा बंद करके अपने 3 बच्चों को सुला के एक मोमबत्ती जला के बगल में ही कहीं चूड़ी का काम करने चली गई थी। एक्सीडेंटली वो मोमबत्ती गिर गई, जिससे उस कमरे में आग लग गई, और क्योंकि कमरा बाहर से बंद था इसलिए एक बच्चा उसमें थोड़ा गंभीर रूप से झुलस गया है। बाकी 2 बच्चों को भी मामूली जले के निशान हैं और उनका इलाज यहाँ चल रहा है चिकित्सालय में, और जैसे इसमें मेडिकल का जो भी रिपोर्ट आती है और जो भी इसमें फायर सर्विस की जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई आगे की। सर आकर किस तरह काबू किया गया? जी मैं समझा नहीं, एक्चुअली पतली गली थी तो पड़ोसियों ने ही इसमें आके और प्रयास करके उसको चिल्लाया पहले और दरवाजा खोल के उसमें आग को काबू किया। थैंक